गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट। बच्चों, आज हम आपका कराएंगे स्वमूल्यांकन में आपको एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4। आपका लास्ट वीडियो में मूल्यांकन का हमने कराया था एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2। आपका चैप्टर 18 था और 18 के बाद में आपका आता था स्वमूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट, और इसका पेज नंबर है 66। ठीक है, पेज नंबर 66 में एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4। फर्स्ट नंबर, चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुस्वार। अनुस्वार मीन्स होता है जो अंक की बिंदी है। चंद्र बिंदु लगाकर शब्दों को दोबारा लिखना है। यहाँ पे आपकी हेडिंग क्या है? अनुस्वार या चंद्र बिंदु, तो इसको बोलते हैं चंद्रबिंदु, और उसको आपको यहाँ लगाना है। और कौन से यहाँ पे जो बने हुए हैं शब्द, इनमें कौन से में चंद्रबिंदु लगेगी और कौन से में अंकी मात्रा लगेगी, ये आपको देखना है। तो जैसे संतरा, संतरा में क्या लगेगी? अंकी मात्रा। बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे क्योंकि सब लोग रॉन्ग कर देते हैं। संतरा में आप लोग लगाएंगे अंकी मात्रा। इसके बाद में अंजीर, तो अंजीर में भी आप लोग लगाएंगे अंकी मात्रा। फिर आता है तिरंगा, तिरंगा में भी अंकी मात्रा लगाएंगे। फर्स्ट नंबर संतरा, संतरा में अंकी मात्रा लगेगी, अंजीर में अंकी मात्रा लगेगी। अंजीर तो किस पे लगेगी मात्रा अंकी? आ के ऊपर। संतरा में संतरा सा के ऊपर लगेगी, तिरंगा में रंगा रा पे लगेगी। अब आते हैं सेकेंड लाइन में। इसके बाद में आंवला, आंवला में लगेगी चंद्रबिंदु, आ के ऊपर लगेगी चंद्रबिंदु। लंगूर, लंगूर गा के ऊपर लगेगी चंद्रबिंदु। फिर आएगा बांसुरी, बांसुरी में बा के ऊपर लगेगी चंद्रबिंदु। तो हो जाएगा आंवला, लंगूर और बांसुरी। इसके बाद में यहाँ देखिए मिठाइयाँ, मिठाइयाँ में आप लगाएंगे चंद्रबिंदु। मिठाइयाँ आ की मिठाइयाँ, तो यहाँ पे आ या पे लगेगी चंद्रबिंदु, तो हो जाएगा मिठाइयाँ। चांदनी, तो यहाँ पे चा पे लगाएंगे चंद्रबिंदु, चांदनी। फिर है अंधेरा, तो अंधेरा तो आ पे लगाएंगे चंद्रबिंदु, तो हो जाएगा अंधेरा। ठीक है, तो एक बार और समझ लीजिए कि यहाँ पे संतरा में सा पे अंकी मात्रा, अंजीर में आ के ऊपर अंकी मात्रा, तिरंगा में रा के ऊपर अंकी मात्रा, आंवला में आ के ऊपर चंद्रबिंदु, लंगूर में गा के ऊपर लंगूर, इसके बाद ला के ऊपर चंद्रबिंदु लगेगी, बांसुरी में बा के ऊपर चंद्रबिंदु लगेगी, मिठाइयाँ में या के ऊपर चंद्रबिंदु लगेगी, चांदनी में चा के ऊपर चंद्रबिंदु लगेगी, अंधेरा में आ के ऊपर चंद्रबिंदु लगेगी। तो हो जाएगा अंधेरा, मिठाइयाँ और चांदनी। इसके बाद में दिए गए संयुक्त व्यंजनों से दो दो शब्द लिखने हैं आपको। तो यहाँ पे जैसे कक, तो क्या हो जाएगा? मक्का, मक्का और पक्का, मक्का पक्का। यहाँ पे सेकेंड नंबर लट्टू और टट्टू। इसके बाद बम में लिखेंगे अब्बा और धब्बा हो जाएगा, अब्बा और धब्बा। यहाँ पे कक, मक्का और पक्का, टट लट्टू और टट्टू, बब में अब्बा और यहाँ पे
अब्बा और धब्बा, अब्बा और धब्बा, अब्बा लिखेंगे और धब्बा लिखेंगे इसमें बब में, अब्बा और धब्बा। कख, यहाँ पे लिखेंगे कख का यहाँ पे लिखेंगे सख्त, सख्त और तख्त, तो ये जाएगा कख में, सख्त और तख्त। ठीक है बच्चों, इसके बाद में आपका यहाँ पे सच्चा और अच्छा, डंडा और ठंडा, ठंडा डंडा, सच्चा अच्छा, लल में लल्ला और पल्ला, लल्ला और पल्ला, चच में अच्छा और कच्छा, अच्छा और कच्छा। तो ये संयुक्त व्यंजन के दो दो वर्ड हो गए। सभी बच्चे एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 कंप्लीट करेंगे और सेंड करेंगे।